ओलावृष्टि होगी, मोठ में नुकसान है, ग्वार की फली जड़ी है। मैं बार बार हारता हूँ, मेरी शिकस्त की कोई सीमा बनाई जाए। मैं किसान हूँ साहब, मेरे आंसुओं की कोई बीमा बनाई जाए। विधायक को नाराज होते, मैं को नहीं मारा हूँ, विधायक नाराज है। बारिश तो लगभग आधे घंटा के लगभग हुई, ग्वार ग्वार की फड़िया पड़ गई नीचे। अब तम के निकले तब तम डंगरी को खेने बंसन लग गया। ओलावृष्टि 15-10 मिनट हुई, सिर में छड़ी खा खा के मार घूमड़ा हो रहे हैं कांग्रेस की। पांचवी से बारहवीं क्लास के बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप जीतने का सुनहरा मौका। आज ही करें प्रिंस ओलंपियाड में रजिस्ट्रेशन और जीतें ढेरों इनाम। राम साहब, मैं हूं अंकित और थे देख रहे हो देसी खबरों गुरु जलको चुरू। तो आज की आपनी स्पेशल जो कवरेज है वह है फसल की खराबे पर। जी, कल देर रात है तारानगर और बाकी क्षेत्र के अंदर ओलावृष्टि के साथ तेज बारिश हुई, बिंग कारण जो की फसल है भी भारी नुकसान हुए है। जब आप आज खड़े हाँ तो आपने पीछे थे देख रहे हो आ मूंगफली की फसल है, इनकी कटाई हो चुकी है और छोटे छोटे गुत्थाए रूप में भी इन्हें इकट्ठी की जा चुकी है। लेकिन जो कि इन कटाई होनी है, जो को बीज निकलना है, वो अब तक तो निकले को नहीं। तो इन कारणों की है कि जो कि मूंगफली की फसल है, इन ऊपर अगर पानी की बोछारा हो है या फिर जो ओला पड़े हैं, तो इन कारण इनको छिलको कालो हो जाए और इन जो की कीमत है वह ना के बराबर हो जाए। तो एक प्रकार में कह सका कि किसानों के लिए बहुत पीड़ादायक वर्षा इज की रात हुई और जो कि ओलावृष्टि में काफ़ी नुकसान हुआ है। और भी फसल है, ग्वार की फसल है या नरमे की फसल है या मोठ की फसल है, तो हो मतलब पूरे रूप किसानों के लिए या एक प्रकार तबाही के रूप में बारिश आई की कल रात आई। और किसानों मिलके भी आप बात कराँगा कि कितों को नुकसान हुए है। और मूंगफली की फसल की अगर बात करा तो अब की बार को साल है वो इनके लिए नुकसानदायक ही रहे हो। अगस्त को पूरा महीनों सूखो गए हो, सितंबर लास्ट में जब बारिश हुई तो बाई इतनी असर को नहीं हुई, और अब जब निकालने पर इनकी बारिश हुई है तो वो भी नुकसान के रूप में देखी जा सके। इसलिए यहाँ कीमत पूरी कौन मिल पाओ किसान ने। तो एक प्रकार कह सका कि जो किसान है भी हालत बदतर हो जाती जा रही है दिन ब दिन, और कोई सोल्यूशन नजर को नहीं आ रहे हो सरकार की तरफ भी। कोई मुआवजा वगैरह की कोई पहल कौन करी गई अब तक? तारानगर तहसील का लगभग सारा काम हम राज्य की बारिश हुई भी नुकसान हुए है। तो इन फसल की और किसानों की हालत देख के कई पंक्तियां याद आ रही है मैंने कि भाई इन प्रकार है कि मैं बार बार हारता हूँ, मेरी शिकस्त की कोई सीमा बनाई जाए। मैं किसान हूँ साहब, मेरे आंसुओं की कोई बीमा बनाई जाए। तो किसान की बीमा और सीमा दोनों ही कोनी, आंसुओं की जो की पीड़ा है वह लगातार देखी जा रही है। ना तो बीमा मिल रही है और ना हार की कोई सीमा बन रही है। तो लगातार किसान है वो एक प्रकार दुखी हो रही है। तो सरकार ने चेतना चाहिए, किसान को जो हाथ है बिन पकड़ के और किसान की मदद करनी चाहिए। आई मारी पैर है और इन कवरेज में दिखाऊंगा कि तो नुकसान हुआ है, जो कि आपने फसल है इमा जो कि मूंगफली काली हुई है या जो को गोटा नुकसान पहुंचे, वो अभी मैं कवर कराऊंगा। वीडियो एंड तक देखिए, बढ़िया लगे तो शेयर कर दियो। के टाइम सी हट जी आंधी और तूफान के साथ ओलावृष्टि लगभग ओला भी आया। ओला आया, अच्छा। कितनी क्वालिटी में आ जाए, कितनी देर बारिश हुई? बारिश तो लगभग आधे घंटा के लगभग हुई, ग्वार ग्वार की फड़िया ही पड़ गई नीचे। तेज आया क्या ओला? तेज आया, मोटा मोटा आया, लगभग 20-20 ग्राम के सारे सारा ओला, 20-20 ग्राम का सारा ओला आया। लगातार कई देर बताई पड़े? हाँ, आधे घंटा के लगभग। मैं खेत में ही हो, बड़ी दाता ही आया खेत में अभी टाइम। हाँ, अभी टाइम के नुकसान हुए फसलों में? फसलों में लगभग नुकसान तो मूंगफली जो कम तो बहुत नुकसान हो गया, और गुआर गए जो की फड़िया नीचे पड़ गई, और मोठ आज का आस पास खराब हो ही गया। जी आपने पीछे देख रहे हैं मोठ ये जी मोठ है, ऐसा हो गया। आप देख रहे थे खराब हो गया, डांगरी कोख है। अब देखो वाह हालत है मोटांगी। तो जी है बेड़ा करेड़ा जी? हाँ बेड़ा करेड़ा। अब तम के निकले तब तम डंगरी कोख है बंसन लग गया। सरकार ने कदम उठाना चाहिए, मुआवजा वगैरह देना चाहिए? निकायदत है देने में, तो अब के कहां तो नहीं देते, नहीं दे आप के जोर है। मूंगफली की फसल है, तो मूंगफली की फसल क्या रही है बकरा टोटल मिला के? मूंगफली की फसल की कोरे ने ऊपर में 3 क्विंटल भी गए गोस्त दिए जी। यहीं पर खर्चों की तो पड़ जे भी गए अंदर? खर्चों 10,000 रुपए भी गए, तो लगभग पड़ी जे कम से कम 10,000 रुपए भी गए। हां, क्योंकि मैं 14,000 के लगभग तो बीज खरीद के गए रहो। फिर बचत तो? बचत बचत के है, कुछ बचत नहीं है। बचत की कोनी? पहली तो बारिश हुई कोनी, अब की बार अगस्त में सूखो उठ गयो। जब की जद हुई कोनी नी, गर्मी कोनी हुई, जद भी कारण थोड़ी हड़की होगी फसल, फिर हड़की नहीं या खरा के थोड़ी दिखा दिया। अब जब की खोदी। और कौन कौन सी फसल के नुकसान पहुंचे रात बारिश? और तो कई दिन मोठ थे, गुआरे और मूंगफली, हाँ फसल के नुकसान पुग गया ज्यादा। कितनी देर तक ओलावृष्टि हुई?
सिंचाई को नहर को जी माध्यम है नहर के पानी सिंचाई है वो टाइम पर आ रही है। हां पानी तो आ रही है मतलब मौसम की वजह फसल मौसम की वजह तीन के लगे काल की नुकसान है इनको मौजूद मिलना चाहिए भाई मौजूद सरकार पर निर्भर है तो बढ़िया ही है सरकार देनी मुश्किल है आनाकानी कर सी तो आनाकानी कर सी हां आनाकानी कर सी पक्की आनाकानी क्यों कर रहे तो कोई कारण नहीं कारण तो क्यों हुआ है कारण हुआ नहीं देना की वजह है कारण और की कारण हुआ है देना चाहे कोई नहीं हुआ। अब तो चुनाव आ रहे हैं चुनाव में क्या सुन ले ली सरकार चुनाव में कोई सुन जाए तो भले मुश्किल सुने चुनाव में सुने को नहीं की निकले ही को नहीं लग थाने धन्यवाद है चूरू जलकड़ा ने जो अठे में रिकवरेज करना है और अठे कोई मार तो आवे को नहीं 2000 तो एकदम बर्बाद हो चुकी है तो 2022 की फसल ही अठे ओलावृष्टि हुई और चीनू हो को नहीं फिर भी कई सिंचित खेतांगी सैंपल बर्गर ले गया 3.5 क्विंटल भी चीना दिखा दिया कांग्रेस आदमी जका कुंडी गोटे पर वोट दिया बिंगी बदौलता हुई नरेंद्र जी बुडानिया तीना गांव ने क्लेम वंचित रख दिया और फिर भी मैं गया SDM कन गया कलेक्टर कन गया कई जगह धरना प्रदर्शन कॉमरेड नहीं गया पर मारी खटी सुनाई हुई को नहीं और नरेंद्र जी बुडानिया खुद जयपुर जा गया वाता जोड़ी करी बुडानिया जी एक सारण और सोम शीशर पूर्ण शीशर तीनों गांव क्लेम बिना वंचित क्यों 2022 गए रबी की फसल गए पर वहा मारी दर ही सुनाई कौन करी सुनाई न करने की वजह मैं आता जोड़ी करी जोड़ने की बात है थारी मांग उचित है मैं कलेक्टर बात करूंगा पर मैं कलेक्टर करने और सारे जाइए बुडानिया जी तीनों गांव ने वंचित राख ही दिया तो लगातार फसल ही खराबी हो रही है लेकिन बीमो कौन मिल रहे हो बीमो तो मिल रही को नहीं बीमो क्यों कर विधायक ने वोट को दिया मैं कुंडी कोटे पर दे दिया वोट ने दिया मूल कांग्रेस ही बा कुंडी कोटे पर क्यों कर अठे बैज जी की बदौलती नहर लिया बुडानिया जी तो अठे हो गया बागिर थे और नहर लिया कुमार राम जी आ रही है और चंदनमल जी बह दिया अठे पानी की एक डोली भर के लंता और 25 पीसा गढ़ा वह लंता मीठे पानी का अठे नहर लिया दी अब बुडानिया जी कह के नहर तो मैं ले और मैं ही बागिर थो पर भाई के कह इसका बाकी अब सोमसर सारण पूर्ण शीसर के लिए एक विरोध को प्रदर्शन कर रखे बुडानिया जी कल रात ने जो बारिश और जो ओला पड़े तो बहुत कितना नुकसान पहुंचे अठे सो नुकसान ही नुकसान है अठे मूंगफली पाड़ा की बलेड़ी मूंगफली जो पाती पुती लगाए की पाड़ा अब बरसात होगी ओलावृष्टि होगी मोठ में नुकसान है गुआर की फली जड़ी है मूंगांगी तो फसल लगभग उपड़गी पर ही तो को नहीं बन उपाड़ ली मूंग उपाड़ लिया बाकी मूंगफली गुआर मोठ तीनों फसल कायमी कायमी बजाय अठे रात की रात में ओलावृष्टि हुई और बरसात भी हुई जो फसल सारी चौपट है किसाना की हालात नाजुक है किसान की हालत खराब है तो इन क्लेम बनना चाहिए फसल खराब हो जाए नहीं बनना ही चाहिए क्लेम तो बनना चाहिए पर विधायक पर निर्भर है विधायक जी क्लेम बनवाए चीज तो बनेगो अरे विधायक जी यहाँ कर दे अनदेखी कर दे तीनों गाँव की ला रहे करी रबी 2022 की जो कर दे मारे की बनने को विधायक वगैरह तो क्या बीमा कंपनियां जाना है मैं करा नहीं बीमा कंपनियां जाने मैं गया तो मैंने कहो क्या थे बीजेपी ने किसा वोट को दिया हालांकि मारो कभी बीजेपी ने वोट देने का नाम हो क्योंकि सिर में छड़ी खा खा के मार घूमड़ा हो रही है कांग्रेस की और फिर भी माने लंच नहीं कर थे किसी बीजेपी ने वोट को दिया नहीं बीजेपी ने वोट दे क्लेम को मिला नहीं बस तो कहो गए एमपी गंज जाओ
एमपी कन जाओ जद एमपी कन भी गया एमपी मारी सुनाई करी सुनाई करी आ भी कहो कि मैं कलेक्टर बात कर छू भाई थे वंचित रहे हो भी हो बाकी बुडानिया जी मान कोई आश्वासन नाम दियो को नहीं विधायक नाराज होते मैं को नहीं मारो विधायक नाराज है मैं विधायक नाराज को नहीं हाँ मैं विधायक नाराज होगी मैं क्या बिगड़ा क्योंकि वोट 5 साल बाद हम पढ़नू है और 5 साल बाद हम पढ़नू है जो मार तो एक जरूरत हुआ तो विधायक जी की माना रोज जरूरत रहे अब तो चुनाव है जरूरत है बन भी नहीं बन ये वह हमारे सगन देखी कर रखी है हाँ क्यों के जातीय समीकरण पर ला रखे वहां ब्राह्मण और जाट जब ब्राह्मण की तो बिल्कुल लाल जो गमछो देख लेनी तो वह चिमके हैं हाँ इन टाइप चिमके है आंगो तो जी काट दिया और मैं हालांकि ब्राह्मण हाँ पर हाँ एकदम कट्टर कांग्रेसी और कार्यकर्ता का नाम लेनी कांग्रेस गमा पून शिशर और सोम शिशर गमा तो भी हमारा मारो नाम पहली पोत लालचंद बोरा है लालचंद बोरा कांग्रेस कार्यकर्ता है फिर भी कांग्रेस सरकार में फायदा कौन मिल रहा है मिल रहे कौन ये प्रशासनिक अधिकारी है बंगो रवियो कुकर है जी बंगो रवियो तो बेचारा के करे बे बे मैं तंग करा बे आओ ही है और बे कह मैं थन क्लेम दिराश हाँ पर विधायक जी ने कह जब मन क्लेम कटू मिला है विधायक जी का हाथ में सब विधायक जी का हाथ में विधायक जी का हाथ में नहीं होते तो तारनगर तहसील पूरी को रबी को क्लेम हो तीन ही गांव क्यों वंचित रहा सोम शिशर पंचायत का मतलब सोम शिशर सारण और पुन शिशर ए तीनों ही वंचित रहा क्यों के विधायक जी ने अठे कुंडी गोटे फिर आला है से क्यों के बैद जी का एक ईशा ईशा अठे काम करेड़ा जका लोग अगरबत्ती खेलता बैद जी की क्यों नहर लिया अठे नहर पानी तो हो ही कोनी जका बैद जी नहर लिया और मारे पूर्वज के हैं के बैद जी अठाया आज दिया करियो के चंद्रमल बैद वो क्यों राम निकलो अठे क्यों पानी आवे पण दिखावटी का वोट लेन खातर करे बाकी बैद जी अठे नहर लिया लिया गए अठे लोगों पानी अठे किंगे 5 बीघा बीज जाए किंगे 2 बीघा बीज जाए किंगे 1 बीघो बीज जाए पर अब मौसम की मार सगा बड़ी होगी मौसम की मार हाँ पहला तो बरसात करी को नहीं करने वाला टाइम बरसात कौन करी और अब बरसात करी थोड़ो बहुत ही है एक कुंटल भी गई 1.5 कुंटल भी गई मूंगफली कि 50 किला भी गो जी हाँ मोटा 60 किला 30 किला 40 किला 50 किला गुआर हो अब गुआर की की है कि ज्यादातर फली तो पड़ गई और जो की लीली रही है बंगी अठे पातड़ी होने की संभावना एक पातड़ी रोग और हुआ जो वह पातड़ी बन जाए ज्यादा मौसम जी हाँ ठंडो राख सी नहीं वह पातड़ी बन जी अब थे देख रहे हो इन अंदर कुछ भी को नहीं एकदम काली हो रही है अब जो की मूंगफली एकदम अब जत्था भी देख रहे होते कल रात अगर बारिश हुई है बिंग वजह बहुत नुकसान पहुंचे नमी पकड़ जाए एक बार मूंगफली तो फिर बिंग बीज खराब हो जाए छिलको भी काल हो जाए और कीमत है वह बिल्कुल गिर जाए ना के बराबर हो जाए तो आ हमारी स्पेशल कवरेज ही जिसकी फसल के खराबे पर ही और तारानगर तहसील के गाँव हूँ ठीक है तो लगातार थे देखते रहो जलको चूरू जय जय राजस्थान।